अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करते हैं सब जानने वाले देखने वाले खैरियत से होंगे। ये टेस्टी गार्डन का व्यू है। आज यहाँ पे विजिट भी हुआ और खाना खाने आए हैं तो बहुत ज़बरदस्त उम्दा खाने, और ये जो इसका व्यू है बहुत ज़बरदस्त। आज ये नज़ारा दिखूँगा। ये बहावलपुर बाईपास के ऊपर है टेस्टी गार्डन का व्यू। ये आगे चल के आपको दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन और उम्दा खाने। तो और भी साथी साथ हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं साथ साथ दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप अपना नाम बताएं प्लीज। मोहम्मद वसीम। अच्छा, मेरा हाफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सर? खैरियत ठीक ठाक? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, टेस्टी गार्डन बहावलपुर बाईपास। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले बता भी दिया है, लेकिन आप अपने चाहने वाले देखने वालों को थोड़ा सा बता देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसका थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। बहावलपुर बाईपास है ना? बहावलपुर बाईपास पे टेस्टी गार्डन रेस्टोरेंट नाम है इसका। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी चाइनीज बारबेक्यू आइटम है, तो हमारी बहुत सारी स्पेशल डिश है। ठीक है। और ये थोड़ा सा ना मास्क हटा के थोड़ा बता दें ताकि आवाज़ क्लियर जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सब, कह रहे थे ये हमारे टेस्टी गार्डन रेस्टोरेंट है बहावलपुर बाईपास पे। इसमें पाकिस्तानी चाइनीज बारबेक्यू के आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज माहौल खाना पीना बहुत जबरदस्त है, क्योंकि माहौल के बारे में मैं बता दूंगा। हां, फैमिली लॉन भी है, झूले लगे हुए हैं। हमारे पास फैमिली हॉल है, जेंट्स हॉल है, अलग अलग मीटिंग हॉल है। ठीक है, उसमें हम आगे बनाए हम लोगों ने सेवन बैठने के लिए। ठीक है, ये हमारा रेस्टोरेंट है। इसकी लोकेशन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और खाने की टेस्ट आउट क्लास है। सर्विस हमारी बहुत प्यारी है। अच्छा, ये रात को कितने बजे तक है? ये सुबह से 10 से लेकर रात 12 तक ओपन है। 12 बजे तक? जी बस 12 बजे तक। वाह जी वाह, क्योंकि हम तो अभी आए हैं तो माहौल देख के तो वाकई लगता है खाने आएंगे तो पता चलेगा। अर्शद भाई भी आए हुए साथ, आप भी थोड़ा सा बता देना। इधर जहीद भाई, अर्शद भाई। जी मैं भी पहली मर्तबा आया हूँ। हाँ जी, और माहौल कैसा लगा है? बहुत ही वीआईपी है। हाँ, जबरदस्त माहौल है। खानों अभी आएंगे तो फिर बताएंगे ना। आप भी साथ हैं हमारे, आप भी थोड़ा सा पास उतार के जरा बता दें, ज्यादा करें। अपना नाम भी बता दें। मोहम्मद उस्मान नाम है। मैं उस्मान भाई। हाँ जी, और जिस तरीके से माहौल जबरदस्त है, उसी तरीके से जो अमला है, खुश अखलाक, खुश शक्ल, जिस तरीके से गार्डन को सजाया है, इसी तरह वो अपने आप को फिट रखते हैं। अब आप खाने का इंतजार है, वो दिखाएंगे कैसा है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और जबरदस्त लोकेशन, साफ सुथरा माहौल। ये है टेस्टी गार्डन बहावलपुर बाईपास। ये टेस्टी होटल वालों की शाखें हैं और इनके ज़बरदस्त खाने होते हैं। ये ज़बरदस्त माहौल, साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा। और देसी माहौल बना हुआ, ये सारे का सारा टेस्टी गार्डन, और इसका जो माहौल है ना बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त माहौल है, और ये जो ख़ास तौर पर ना चौलिस्तान के नक्शे इस तरीके से देहाती टाइप बना के शहरों में बहुत खूबसूरत और उम्दा तरीके से सजाए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब हम मुलाकात करेंगे भाईजान से। अस्सलाम वालेकुम। जी जैद भी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सुनाओ। सब देखने वाले चाहने वालों को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। और ये टेस्टी गार्डन है, और इसका ज़बरदस्त व्यू और ज़बरदस्त माहौल मैं दिखा रहा हूँ। आपने खाना खाना है तो टेस्टी पे आए। ये बहावलपुर बाईपास है, बड़ा ज़बरदस्त खाना मिलता है आपको। हाँ जी हाँ जी, और खाना तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन इसका व्यू ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और साफ सुथरा माहौल है, और जितने भी काम करने वर्कर हैं वो भी खुश अखलाक, खुश अखल और खूबसूरत माहौल। माहौल पे बहुत ज़बरदस्त डिपेंड करता है।
अच्छा जी माशाल्लाह, खाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक प्लेट, ये प्लेट में 6 पीसेस हैं, इसमें बारबेक्यू सॉस में सॉस होती है। ठीक है, बारबेक्यू का जी स्टार्ट हो गया खाना। माशाल्लाह चिकन कबाब। ठीक है, भूख बढ़ रही है क्योंकि खुशबू हमारी भूख को बढ़ा रही है। अच्छा दिया कैसे तो बताएंगे ना? नहीं, खुशबू जी, ये गार्निश है साथ। अच्छा, तो खाना हॉट रहता है इसकी वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अभी ये शुरू करें, फिर बाकी जैसे खाना आते हैं दिखाते हैं जी। माशाल्लाह जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो अब माशाल्लाह ऑर्डर हमारा आ गया है। ये थोड़ा सा आप नीचे कर लें प्लीज़। अच्छा सर, वेरी गुड, लुकिंग ज़बरदस्त। थोड़ा सा आप नाम फिर बता देंगे इसका? ये लामंदी है, इसके अंदर मटर रान, इसका रान है। फिर से नाम बताना। मटर रान लामंदी नाम है इसका, मटर लामंदी। अच्छा अच्छा, इसके बकरे की रान होती है। अच्छा, ठीक है। ये इसके अंदर काबली पुलाव, काबली पुलाव के ऊपर गार्निश की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, में काजू पिस्ता है और चेरी है। ठीक है, वो तो लग ही रहा है। चलो जी, इसके साइड पर गार्निश की हुई है, तो कम्बर है, टमाटर, बाकी बाकी गाजर। चलो जी, ये फिर खा के फिर इंशाल्लाह बताते हैं जी। थैंक यू, ये स्पेशल खास तौर पे स्पेशल आपकी जरूरत है। बिल्कुल, तो कैंडी खाने के बाद फीडबैक लाजमी। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर जी। ये टेबल पे रख दिया है। चलो अरशद भाई, अब ये स्टार्ट करो, फिर जैद भाई आप स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं। नहीं, फिर फीडबैक देंगे ना इंशाल्लाह। फिर स्टार्ट करते हैं। जैद भाई मेरे प्लेट में डालना, यकीन मैंने भूख बढ़ गई है, और आप आपकी भी लग रहा है अरशद। बस जी, मैं ज़रा खाना इसमें प्लेट में डालता हूँ, आप थोड़ा सा ये प्लेट में डालना। चलें अभी खाना खा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका फीडबैक आपको दे देंगे। थैंक यू। अच्छा जैद भी, देखा है ये बिल्कुल बकरे की रान है। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़े की। अभी मैंने डाल लिया खाना, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इसमें। खाओ जी खाओ। कैसा है? ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत। चलो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ गया। ये पहली दफ़ा हमने ये खाया है। साहब भी आप बताओ, बहुत जी खाओ, बहुत मज़ेदार। मैं कह दूँ कमाल का खाना। और इसका दोबारा से नाम बता दें आप। सृष्टि गार्डन रेस्टोरेंट भागलपुर बाईपास। नहीं, इसकी डिश का, डिश का नाम है मटन लामंदी। मटन लामंदी इसका नाम है। और जब भी आप आएँ ये एक दफ़ा खाएँ, मैं कहता हूँ कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत, और वीडियो पे भी आपको लगेगा कि ये किस तरह का खाना था, तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अरशद भाई से व्यूज़ लेंगे जी। अरशद भाई आप बताओ खाना कैसा लगा? इधर आ जाए। बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त था। ठीक है, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। चलो जी, ओवरऑल माहौल बहुत ज़बरदस्त माहौल है, तो इंशाल्लाह बस्ती में बहुत जाल चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। अभी हम जाना चाहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।